अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं जहां पहले कभी लाइफ में मैं नहीं आया हूं, और हम पहुंचे हैं माउंट आबू। और यहां का जो रिव्यू है या फिर जो पर्यटक स्थल है, मैं आपको वो दिखाऊंगा आज इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग के अंदर। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं जो पर्यटक स्थल है वहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम के बाद में व्लॉग आया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने काम से मशगूल था, इसलिए अपने मतलब चैनल पर व्लॉग नहीं डाल पाया। तो उसी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आज के बाद में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द व्लॉग अपलोड करने की। और मेरे साथ में हैं, आप समझ सकते हो कि मैं जब भी जाता हूँ कहीं पे घूमने के लिए तो लगभग जो मेरे साथ में होते हैं हमारे चाचू, आप समझ गए होंगे, पिछले व्लॉग के अंदर जाके देख सकते हो वो सोए हुए हैं, और जाफर भाई, और हमारे साथ में एक और हैं भाई यकूब सऊ, वो कहीं गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए, और वो आ जाएं तो उनसे भी रूबरू कराएंगे आप। फिलहाल यकूब भाई भी आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों। ये देखो हमारे जाफर भाई। इस टाइम हो चुका है, आप देख सकते हो 9:01, और अभी तक हम नहा रहे हैं और चाचू जी भी नहाने जा रहे हैं अब, और ये बात कर रहे हैं, और ये देखो कंबल ओढ़ के सोए हुए में एसी लगा हुआ है, जाफर भाई एसी के आगे सोए हुए हैं। गाइज, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, माउंट आबू मतलब एक शिखर है, और जो मतलब समथल जगह होती है वहाँ से 40 किलोमीटर का रास्ता है मतलब गाड़ी पे, और 40 किलोमीटर ऊपर मतलब पहाड़ी पहाड़ है वहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और मतलब आते वक्त तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया, सीन नहीं ले पाया, क्योंकि रास्ते के अंदर लगभग 12 घंटों का सफ़र था, 12-13 घंटे लगातार गाड़ी चली थी, तब जाके हम पहुँचे हैं, तो थके हुए थे और उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और जाते वक्त इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो भी मतलब जो रास्ते का नज़ारा होगा वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम घूमने के लिए जहाँ पे जाएंगे वो सारी चीज़ हम आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी एक एक करके नहा रहे हैं चाचू जी, अब नहा रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा या हम तीनों में से जाएंगे, नहा के फिर चलते हैं हम घूमने के लिए। फिल्म चल रही है धर्मेंद्र की, करते हैं वो कहानी था मैं ओ एली टूटी कहानी परली वो खुली है। चाचू फोटो खींच रहे हैं। अरे वाह जाफर भाई पजामा कुर्ता। उधर याकू एक को नमस्कार है, अटक्या खड़ा नमस्कार। तो फाइनली गाइस रेडी होके बैग चेक उठा लिए हैं, यकूब भाई पानी की बोतल भर रहे हैं, जाफर भाई चाचू गए गाड़ी के पास में, और चेकिंग हो चुकी है, अब चेकआउट करते हैं। होटल किशन जीएस, इस होटल में स्टे किया था रात को। ये रोड है और गाड़ी की सफाई कर रहे हैं चाचू और जाफर, स्टार्ट कर दिए, गर्म हो रही है, और ये सामने भी होटल है, होटल हिल पैलेस। होटल से चेकआउट करने के बाद में गाड़ी में बैठे हैं, अब जा रहे हैं गुरु शिखर, यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर है, और चलते हैं वहाँ पे, वहाँ का रिव्यू जो है वो आपको देते हैं। इस गाड़ी के जो लेदर हैं वो ख़राब हो गए थे, तो हमने सोचा कि पहाड़ी इलाका है, ब्रेक वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये चीज़ डलवाना ज़रूरी है। तो फिलहाल हमने गाड़ी के लेदर चेंज करवाए हैं, गाड़ी के लेदर चेंज करवाने के बाद में अब जा रहे हैं गुरु शिखर जा रहे हैं,
और वहाँ पे जाके घूमेंगे, इंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो फाइनली गाइज हम गुरु शिखर के लिए रवाना हो चुके हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब मैं मतलब घुमाओ तो हूँ, लगभग घूमने के लिए जाते थे शिमला वगैरह हर जगह जाते थे, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। और यहाँ के जो लोग हैं मतलब जो प्यार और मोहब्बत इन लोगों के अंदर है वो मतलब किसी इलाके के अंदर भी नहीं है। तो मैंने ये चीज़ देखी है, जो भी मतलब फ़िलहाल मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो आगे इंशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हो सकता है माउंट आबू में मेरे सब्सक्राइबर हों वो देखेंगे, तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तैनू मिलया मिल गया मेरे नाल लेख जाओ करता तेरा भी मन खिलया आओ कटूंगा सब पूरियां नी तेरीया डिमांड जेड़ी बाबू भाई जिंदाबाद। तरस गए अग गए समोसे को लग गए। हमने गाड़ी रोकी है और उतर रहे हैं नाश्ते के लिए। ये होटल है, गुजराती होटल, क्या नाम है इसका, मारवाड़ी नहीं नहीं कोई और है, सभी वैरायटी है सब। सर होटल का नाम क्या है, ये गुजरात में लिखा हुआ है, मारवाड़ी नहीं है ये, गुजराती में दिया हुआ है, बाकी आपको मारवाड़ी जैसा चाहिए हिंदी मारवाड़ी मराठी। अरे नहीं नहीं, नाम 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 तो गुजराती में दिया हुआ, काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, काठियावाड़ी रेस्टोरेंट। करने के लिए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है, नॉर्मल नाश्ता करते हैं और उसके बाद में ऊपर जाते हैं, क्योंकि अभी तक रास्ते में बहुत दूर पड़ा है। जो नाम क्या उसका, कैरी शिखर है, गुरु शिखर, मैं नाम भूल जाता हूँ। गुरु शिखर का जो सफ़र है अभी तक पड़ा है 15-20 किलोमीटर अभी पड़े हैं। हम माउंट आबू से निकले हैं तो हमने सोचा नाश्ता कर लेते हैं, बाकी जो खाना होगा वहाँ पे वापस आके फिर करेंगे, और करते हैं नाश्ता फिर चलते हैं गुरु शिखर। पनीर पराठा, आलू पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा। यकूब भाई धड़ा धड़। खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक गालतनी, नहीं 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 नहीं। खाना खाने के बाद में हम हो चुके हैं रवाना। घूमते में चंदा है, फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, पास दूर दूर तक है नजारे, मिल रहे हैं दिलों को सहारे। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं गुरु शिखर पे। फाइनली दोस्तों मेरे चश्मे का कांच निकल चुका है, कांच निकल चुका है इन्हें नल टोर बने यार। इसका क्या तो यार, ओह माय, ये देखो सामने आपको दिख रहे होंगे ये बादल हैं, ऊपर बिल्कुल भी साफ है आसमान, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल भी बादल नहीं है, क्योंकि बादल रह गए नीचे और हम आ चुके हैं बादलों से कई गुना ऊपर। ये याकूब भाई देखो, नमस्कार दोस्तों, एक को नमस्कार अटके रहता था आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अच्छा भाई तो उधर जाएगा। अच्छा ये नीचे लगी हुई है, ये जो ये प्लेट लगी हुई है और उससे ये कर रहा हूँ गाड़ी वगैरह के लिए। ये देखो सामने पहाड़, इधर की तरफ देखो, ये पूरी नदी बनी हुई है एक टाइप के, अंदर पत्थर भी गिरे हुए हैं, ऊपर क्या है कि ऑक्सीजन कम है, बहुत ऊपर आ चुके हैं,
ये देखो गाइस कितना मस्त व्यू आ रहा है। वैसल तो दो साकू खींचण को साकू छकण हो तो अच्छी को रात मचा के दो मैं ऐसा फेंक दी जो अभी तू से कहत की नहीं बात पर्यटक बैठे हैं सारे कोई ढोल नहीं भैया ये देख सकते हो दूर दूर भी नहीं है इससे जो नीचे के पहाड़ के नीचे जो भी मतलब चीज़ देखने लायक है वो दिखाते हैं 30 रुपये के अंदर 30 रुपये में लगभग 7-8 पॉइंट दिखा देते हैं। मैंने अभी देखे कयामत से कयामत तक की जो आमिर खान वाली फिल्म है वो इस तरफ मतलब वो एक झोंपड़ी है जो भाग के आते हैं जो इसका नाम है प्रीति जिंटा और आमिर खान रहते हैं। मैंने देखा है अभी टेलीस्कोप इसका नाम टेलीस्कोप है। गाइस गुरु शिव खार घूमने के बाद में अब नीचे जा रहे हैं लकी झील जो मतलब 20 किलोमीटर नीचे है और वहाँ जा रहे हैं और वहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो पे बने रहिएगा और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अधिक मज़ा आए। आ चुके हैं नक्की झील पे और यहाँ का जो रिव्यू है बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा और अलग अलग एंगल से ताकि आपको भी मज़ा आए। ये सामने फुहारा चल रहा है ये फोटोग्राफी चल रही है ये याकूब भाई हैं ये हर बार नमस्कार ही करते हैं ये नक्की झील नाइट को हम यहाँ पे आए थे लेकिन नाइट को व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि अंधेरा था और लाइटिंग वगैरह थी लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। मैं सोचा स्टार्ट करेंगे और आप दिखाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ मैं हमारा चल रहा है इस तरफ भी है ये नमस्ते ये रेस्टोरेंट आ गया बीच में खाना वगैरह खाने के लिए सारे पिंड दियां नूं है विच सुनी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं Thank you.
हवा महल का सीन ये देखो, जैसे जयपुर के अंदर हवा महल बना हुआ है ना, सेम वही ये सीनरी बनाई है। देखो कितनी मस्त लग रही है। इसका नाम है वंडर पार्क। इधर ये ऊंट और ये मैं आपको एक मंदिर दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है ऊपर की तरफ। कितना जबरदस्त बनाया हुआ है, देखो पत्थर से बनाया हुआ है ये देखो अंदर से। कितना खूबसूरत। ये जो सामने दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये चीज़ देखो, ये हमारे भारत का तिरंगा है जो राजस्थान में सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ पे माउंट आबू के अंदर, ये झील के अंदर है बीचों बीच, नहीं उस तरफ साइड से, सॉरी उस तरफ साइड से बनाया हुआ है, बीच में फरे लगे हुए हैं, मोर बोल रहे हैं। दोस्तों आज माउंट आबू और केरी चोटी है शिखर, गुरु शिखर वहाँ पे घूमने के बाद अब जा रहे हैं घर पे, और आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो मतलब इन्जॉयमेंट लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।